this is an examination question solve the following games row player is a and column player is b now a key strategies hai a1 a2 a3 a4 or b key b1 b2 b3 b4 5 and b6 these are the payoffs given now we will solve the question देखिए क्वेश्चन देखने से आपको पता नहीं लगेगा कि वो क्वेश्चन प्योर स्ट्रैटेजी का है या मिक्स्ड स्ट्रैटेजी का तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको वो मैट्रिक्स में सैडल पॉइंट फाइंड आउट करना होगा दिस इज सॉल्यूशन पे ऑफ मैट्रिक्स जिसमें हमने क्या किया है पूरे वही वैल्यूज को कॉपी कर लिया है क्वेश्चन से एडिशनल एक कॉलम और रो हमने प्रिपेयर की है एडिशनल कॉलम में हमने लिखा है रो मिनिमा और इस रो में लिखा है कॉलम मैक्सिमा। रो मिनिमा में कौन कौन सी वैल्यूज आएगी इन रोज में जो भी मिनिमम वैल्यू है वो रो मिनिमा में आएगी और कॉलम मैक्सिमा में कॉलम में जो भी मैक्सिमम वैल्यूज है वो आएंगी अस सॉल्व इट फर्स्ट रो में जो एवन स्ट्रेटेजी है उसमें हमारी मिनिमम वैल्यू है माइनस फोर नेक्स्ट इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू है माइनस टू इसमें हमारी मिनिमम वैल्यू है थ्री इस रो में मिनिमम वैल्यू है वन फाइन नाउ द कॉलम मैक्सिमा कॉलम मैक्सिमा में इसमें मैक्सिमम वैल्यू है सेवन इसमें मैक्सिमम वैल्यू है थ्री इसमें मैक्सिमम वैल्यू है फाइव इसमें मैक्सिमम वैल्यू है सिक्स नेक्स्ट एट नेक्स्ट इज सिक्स नाउ वॉट इज सैडल पॉइंट मैक्सिमिनी इक्वल्स टू मिनी मैक्स डैट मीन्स रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है डैट इज थ्री थ्री हमारी रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू है तो रो मिनिमम की मैक्सिमम वैल्यू हो गई हमारी थ्री नेक्स्ट कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू है हमारी थ्री ये दोनों वैल्यू सेम आ गई है डैट मींस थ्री इज अ सैडल पॉइंट जिसको आपको कहाँ लिखना है यहां पे लिखना है सैडल पॉइंट फाइन जब ये दोनों वैल्यू सेम आ जाती है वही हमारा क्या है सेटल पॉइंट है नाउ आप इस क्वेश्चन को कैसे प्रेजेंट करेंगे इज आपसे पूछा जाएगा कि फर्स्ट इज ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर रो प्लेयर रो प्लेयर है हमारा ए ए के लिए ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी वही होगी जहां आपका सैडल पॉइंट लाई करेगा सैडल पॉइंट आपका थ्री कौन सी रो में आ रहा है इस ए थ्री वाली में आ रहा है डैट मीन्स इसके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी है ए थ्री नाउ फॉर द कॉलम प्लेयर कॉलम प्लेयर के लिए आपके लिए बेस्ट स्ट्रैटेजी कौन सी होगी जिसमें कि ये थ्री सैडल पॉइंट आएगा वो कौन सी स्ट्रैटेजी है प्रोबेबिलिटी अब ये देखिए यहाँ पे क्या है सैडल पॉइंट आ गया है डैट मीन्स दिस इज द क्वेश्चन ऑफ प्योर स्ट्रेटजी नाउ अब प्योर स्ट्रेटजी है तो इसमें प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो इसने एक ही स्ट्रैटेजी यूज़ कर रहा है उसकी तो वन होगी और सबकी ज़ीरो तो ए वन की क्या होगा ज़ीरो ए टू की प्रोबेबिलिटी ज़ीरो क्या होगी वन और इसकी ज़ीरो इधर भी बी वन की हो जाएगी आपकी जीरो बी टू वो यूज़ कर रहा है डाट इज वन बी थ्री इज ज़ीरो बी फोर इज़ ज़ीरो बी फाइव इज़ ज़ीरो बी सिक्स इज ज़ीरो तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी नाउ द वैल्यू ऑफ गेम वैल्यू ऑफ गेम देखिए जो सैडल पॉइंट होता है वही हमारा क्या है वैल्यू ऑफ गेम फाइन अब विद द रेफरेंस ऑफ रो प्लेयर रो प्लेयर के लिए वैल्यू ऑफ गेम क्या हुआ थ्री अब देखिए रो प्लेयर के लिए ये जो थ्री है वो पॉजिटिव में है डैट मीन्स इसको इस पॉइंट पर मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है नाउ इन द रेफरेंस ऑफ कॉलम प्लेयर ये पॉजिटिव है तो कॉलम प्लेयर के लिए यहाँ पे क्या होगा लॉस होगा तो उसके लिए वैल्यू ऑफ गेम क्या हो गया माइनस थ्री फाइन अगर वो बी टू स्ट्रैटी यूज करता है तो उसको इन सब स्ट्रेटजीज में से मिनिमम लॉस होता है तो उसके लिए भी ये क्या हो गई ऑप्टिमम स्ट्रेटजी हो गई नाउ द सम ऑफ द गेम सम ऑफ द गेम क्या हो गया टू परसेंट जीरो सम गेम तो इसमें प्लस थ्री प्लस माइनस थ्री डैट इज जीरो तो ये हो गया आपका टू परसेंट जीरो सम गेम ऑप्टिमम स्ट्रैटेजी फॉर रो प्लेयर डैट इज ए थ्री ऑप्टिमम स्ट्रेटेजी फॉर कॉलम प्लेयर डैट इज बी टू इनकी प्रोबेबिलिटी है पी जीरो जीरो वन जीरो जो पर डिस्कस किया हमने प्रोबेबिलिटी इसमें है जीरो वन जीरो 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 नाउ द वैल्यू ऑफ गेम डैट इज सेटल पॉइंट थ्री विदरेंस ऑफ रो प्लेयर डैट इज थ्री विद द रेफरेंस ऑफ कॉलम प्लेयर अगर इसको प्रॉफिट हो रहा है तो इसको लॉस होगा डैट इज माइनस थ्री सम ऑफ द गेम क्या हो गया थ्री प्लस माइनस थ्री डैट इज जीरो सम गेम नेक्स्ट एग्जामिनेशन क्वेश्चन इज फाइंड द रेंज ऑफ वेल्यूज पी एंड क्यू विच विल रेंडर द एंट्री टू कॉमर टू अडल पॉइंट फॉर अ गेम नाउ अब आपको क्या करना है ये पे ऑफ मैट्रिक्स गिवन है जिसमें पे ऑफ गिवन है यहाँ पे Q है यहाँ P है नाउ वी विल सॉल्व द क्वेश्चन लुक स्टूडेंट जब आपको पे ऑफ मैट्रिक्स में P एंड Q वैल्यूज गिवन है तब आपको उन P और Q की वैल्यूज को इग्नोर करके एज इट इज सेम उसी पैटर्न से क्वेश्चन सॉल्व करना है हमने प्रीवियस यूज किया है अब हमने इसमें एक एक्स्ट्रा कॉलम और एक्स्ट्रा रो प्रिपेयर की है कॉलम इज रो मिनिमा एंड द रो इज कॉलम मैक्सिमा इस रो मिनिमा में रो की सबसे मिनिमम वैल्यू आएगी तो मिनिमम वैल्यू क्या है इसमें टू यहाँ पे क्यू को इग्नोर कर देंगे आप सिर्फ इन दोनों वैल्यूज में देखेंगे तो यहाँ पे मिनिमम वैल्यू है सेवन इधर पी को छोड़ देना है आपको इन दोनों में देखेंगे तो मिनिमम वैल्यू है फोर ये कंप्लीट हो गया हमारा रोम मिनिमा नाउ द कॉलम मैक्सिमा वही कॉलम की मैक्सिमम वैल्यू डेट इज टेन इधर पी को छोड़ देना है इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू है सेवन नाउ इन दोनों में मैक्सिमम वैल्यू एट नाउ वी विल फाइंड आउट द सैडल पॉइंट डैट इज मैक्स बीनी इक्वल्स टू मिनी मैक्स मैक्स मिनी मीन्स रो मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू रो मिनिमा की मैक्सिमम वैल्यू है आपकी सेवन मिनी मैक्स मीन्स कॉलम मैक्सिमा की मिनिमम वैल्यू कॉलम मैक्सिमम की मिनिमम वैल्यू है सेवन ये दोनों इक्वल आ गया डैट मीन्स इस पे ऑफ मैट्रिक्स में हमारा सैडल पॉइंट है डैट इज सेवन सेवन इज अ सैडल पॉइंट नाउ अब आपसे रेंज पूछी गई है P और Q की फर्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द P। कॉलम में क्या करते हैं मैक्सिमम वैल्यू लिखते हैं यहाँ पर फाइन तो इस अजम्शन से हमारी P की वैल्यू क्या होनी चाहिए कम होनी चाहिए किससे सेवन से तभी वो मैक्स डैट मीन सैडल पॉइंट वाली कंडीशन फुलफिल करेगा तो P की वैल्यू क्या होगी कम होगी इक्वल टू होगी सेवन से फाइन नाउ द वैल्यू ऑफ Q Q की वैल्यू यहां पे आप क्या ले रहे हैं मिनिमम वैल्यू ले रहे हैं तो मिनिमम दैट मींस जो Q की वैल्यू क्या होगी वो सेवन से ज्यादा होगी तभी वो मैक्स मिनी डैट मीन्स सैडल पॉइंट की कंडीशन को फुलफिल करेगा कैसे अगर इसकी वैल्यू सेवन से कम हुई तो ये हमारा जो भी पूरा सोल्यूशन था वो रॉन्ग हो जाएगा इसलिए क्यू की वैल्यू क्या होगी सेवन से ज्यादा होगी तो क्यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन दिस इम्पोज कंडीशन पी एस पी लेस देन इक्वल टू सेवन क्यू एस ग्रेटर देन इक्वल टू सेवन तो हेंस द रेंज ऑफ पी एंड क्यू विल बी पी Less than equal to 7, Q greater than equal to 7.